नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास टेंथ एस एस टी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर फोर्टी या आपकी नाइन्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की वर्कशीट रहेगी आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम सिविक्स पोल साइंस के सेकंड चैप्टर फेडलिजम को रिवाइज करने वाले इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी इस वर्कशीट में हमें मिला एक एक्सट्रैक्ट एक जिसको आप सोर्स भी कह सकते हो इस एक्सट्रैक्ट सोर्स को हमें रीड करना है समझना है इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्व करना है ये जो हमें सोर्स दिया देगा इसी टाइप के टू क्वेश्चन आपके टर्म वन बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले इट मीन्स ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट भी रहेगी लेट्स बिगिन चलिए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की सबसे पहले हमें इस एक्सट्रेक्ट को समझना है तो एक्सट्रैक्ट में बात की गई फेडलिज्म की फेडलिज्म क्या होता है ये हमें क्लियर होना चाहिए ना सबसे पहले फेडरलिज्म कुछ नया नहीं है फेडरलिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक टाइप की गवर्नमेंट होती है इन विच वी हैव टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं जैसे आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल सर या मैम होते हैं ओके सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए उसके बाद क्लास टीचर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए उसके बाद क्लास मॉनिटर होते हैं लोकल गवर्नमेंट हो गई तो क्या हो गए अलग अलग लेवल हो गए ना ऐसे ही इंडिया की बात करें तो हमारे देश में भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट तो ये क्या हो गए लेवल हो गए गवर्नमेंट के ऊपर से नीचे तक तो इसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं यानी कि कोई भी कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट के टू या मोर देन टू लेवल हो एटलीस्ट कितने होने चाहिए मिनिमम टू लेवल्स होने चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो उसको हम फेडरल कंट्री कहेंगे ठीक तो यहां पे चलिए देखते हैं क्या दिया गया कि फेडरल गवर्नमेंट्स हैव टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट टीयर्स या लेवल एक ही बात है कि फेडरल गवर्नमेंट्स होती है उसमें दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के वी हैव सो फार डिस्कस्ड अबाउट द टू टीयर्स ऑफ द गर्मेंट इन आर कंट्री अभी तक आपने जैसे सिक्स टू टेंथ क्लास की बात करें तो जितने भी आपने डिस्कस किया मेनली आपने डिस्कस किया सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मेनली आपने डिस्कस किया स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लोकल गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया लेकिन हमारे यहाँ पर मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा तीसरा लेवल भी हमारे यहाँ पर है क्यों है कि बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टीयर्स लेकिन इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सातवां सबसे बड़ा देश आ जाता है अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें वी आर लेगिंग बिहाइंड द चाइना जस्ट चाइना के बाद में आते हैं सेकेंड पोजिशन पर आते हैं तो एक बड़ा देश है ये ओके okay? एंड स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप और इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो साइज़ में पॉपुलेशन में इतने बड़े हैं साइज में बात कर लेते हैं साइज में इतने बड़े हैं जितने कि यूरोप के इंडिपेंडेंट नेशन है पॉपुलेशन की बात करें तो वो तो छोड़ ही दीजिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है अगर हम यूपी की पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी फिफ्थ पोजिशन पर आता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया चाइना यू इंडोनेशिया के बाद पाँचवें पोजीशन पे हमारा यूपी आ जाएगा ट्वेंटी करोड़ पॉपुलेशन के साथ तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया कितना बड़ा देश है यानी अकेला जो हमारे यूपी है वो काफ़ी सारे देशों के ऊपर भारी है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है पॉपुलेशन या फिर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स अब साइज ही बड़ा नहीं है पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं है बल्कि डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है डाइवर्सिटी है देर इज ए डायवर्सिटी है कई बेसिस पे जैसे कल्चर के बेस पे है लैंग्वेज के बेस पे है रिलीजन के बेस पे है ओके जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे है, तो कई वे से डायवर्स भी कंट्रीज हैं अब जो डाइवर्सिटी ज़्यादा है बड़े स्टेट्स है साइज में बड़े हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट है उससे काम नहीं चलता सो देयर इज दज नीड फॉर द पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट्स इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर थर्ड टाइप की गवर्नमेंट हो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होगी तो बेटर तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेट्रेटिव uh, फंक्शन है उनको परफॉर्म कर पाएंगे शासन को प्रशासन को ठीक से चला पाएंगे फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट एंड बिलो द दैट द स्टेट गवर्नमेंट इसलिए हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट है एक level of government है. Of of sharing, of government. और लेवल ऑफ गवर्नमेंट है दिस इज द रेशनल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और पावर शेयरिंग विच रिजल्ट इन द थर्ड टीय ऑफ गवर्नमेंट और इसलिए अपने यहाँ पर

लोकल गवर्नमेंट को तो ये बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन मीन वन द पावर्स आर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट दिस इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसलिए हमारे यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया और ये पावर किसको दी गई लोकल गवर्नमेंट को दी गई लोकल गवर्नमेंट कौन सी है जो हमारा थर्ड ईयर है ओके द बेसिक आइडिया अब ये तो समझ लिया हमने यहां पे कि इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी कि बिकॉज ऑफ द साइज ह्यूज साइज ह्यूज साइज ऑफ द एरिया या ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी दोनों कारणों से हमें क्या करना पड़ा थर्ड ईयर है उसको सेटअप करना पड़ा और ये जो थर्ड ईयर को पावर दी गई इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अब हम बात करेंगे कि इसका फायदे क्या हैं एडवांटेज क्या होते हैं थर्ड ईयर होने से हो क्या जाएगा सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड इन द लोकल लेवल कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको लोकल लेवल पे अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है ओके अगर लोकल लोगों को हम पावर दे दें जैसे मान लीजिए कि बिहार यूपी राजस्थान के किसी गांव में कोई प्रॉब्लम वहां पे पानी भरा होता है अब दिल्ली में बैठे किसी मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी पता चलेगा चलेगा वो तो गाँव के लोगों को अच्छे से पता ना तो इसलिए वहाँ के लोगों को अगर पावर दे दी जाए तो वो उस सिचुएशन को उस प्रॉब्लम को ज़्यादा बेटर तरीके से सोल्व कर सकते हैं पीने की पानी की कमी है इसी जो सिचुएशन है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है तो वो लोकल गवर्नमेंट वो ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान रख सकती है ज़्यादा बेटर तरीके से डिसीजन ले सकती है तो एक आइडिया तो ये बेसिक आइडिया है कि जो लोकल लोग हैं वो अपने लोकल इश्यूज़ के बारे में प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं दे हैव द बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़ उनके पास ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है उनके बारे में एंड दे ऑल्सो have बेटर आइडियाज़ टू वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर efficiently. और उनके पास better idea भी होता है जो ऊपर से पैसा आया उसको कहाँ लगाना है कैसे उसको मैनेज करना है ओके तो वो सारी चीज़ें उन वो बेटर कर सकते हैं कर सकते हैं ना जैसे आपके घर में कोई चीज़ है ठीक आपके घर में कहीं पे भी मरम्मत करनी है तो एक तो कोई पर्सन है वो बाहर से ऑर्डर दे दें अब वो थोड़ी बताएगा आप घर की चीज़ें अच्छे से बता सकते हो ना यही सेम सिचुएशन है कि जो लोकल गवर्नमेंट है द लोकल पीपल है दे नो बेटर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड दे कैन सोर्ट आउट और हैविंग द बेटर आइडियाज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स बेटर नॉलेज होता है उनके पास और उसके सोल्यूशन भी उनके पास ज़्यादा बेटर होते हैं ओके बिसाइड एट बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग पहला uh, पहला फायदा तो ये होता है कि लोकल पीपल है वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दूसरा जो एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इससे शामिल होंगे जब लोकल गवर्नमेंट बनती है ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट होती है ना उनको भी मौका मिलता है तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी से मजबूत होती है क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल जनता की सरकार है ज़्यादा लोग जितने शामिल होंगे उतनी बेटर रहेगा तो यहाँ पर इस थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को पॉलिटिक्स में आने का या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है दिस हेल्प्स टू इंक्लूड ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इस तरीके से उनको डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन उसकी जो हैबिट है वो डेवलप होती है यानी एक तरीके से उनको ट्रेनिंग मिलती है अब यहीं से स्टार्ट करेंगे तभी तो वो लीडर बनेंगे ना फ्यूचर में जाकर के तो उनको ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसके साथ साथ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं खुद का शासन स्वशासन वो स्वशासन इसी थर्ड टीअ ऑफ गवर्नमेंट से आ सकता है ओके इसलिए हमने थर्ड टीय ऑफ गवर्नमेंट को लेकर गए तो यहाँ पे तीन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की पहला ये कि इसमें हमने बात की लोकल गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट क्या होती है कि द थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉन एज द लोकल गवर्नमेंट जो तीसरा लेवल होता है उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं वेन द पावर्स आर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं ये हमने समझा ये भी हमने समझा कि वाई डू वी नीड द थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया हमें थर्ड ईयर की क्यों नीड है बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड सेकेंड वी हैव द्यूज डायवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है दैट्स वाई वी नीड द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट हमें चाहिए फिर हम नहीं समझा कि इसके एडवांटेज क्या है लोकल पीपल दे नो बेटर दे हैव बेटर नॉलेज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स दे कैन सॉर्ट आउट द देयर प्रॉब्लम एट बेटर एट लोकल लेवल बेटर तरीके से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दे गैट द ट्रेनिंग टू बी द फ्यूचर लीडर फ्यूचर लीडर के लिए उनको ट्रेनिंग भी मिलती है तो ये उसके एडवांटेज इसलिए हमारे लिए थर्ड ईयर है वो होना ज़रूरी हो जाता है तो ये था हमारा ये एक्सट्रैक्ट अब इसी पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चन चलिए इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया थर्ड टयर ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया इज नोन एज जो थर्ड ईयर ऑफ पावर शेयरिंग है इंडिया में उसको क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट है, कहते हैं थर्ड ऑप्शन लोकल गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन रन ऑफ्ताबो तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है इज नोन एज द लोकल गवर्नमेंट इसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है सेकेंड ऑप्शन देखिए हाउ मेनी टीयर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट यूजली हाउ फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें कितने टीयर्स होते हैं कितने लेवल होते हैं ये हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन है वन सेकेंड ऑप्शन है टू थर्ड ऑप्शन है जीरो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द वो तो इसमें हमें बताना मिनिमम कितने होते हैं कम से कम तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा टू टीयर्स कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें कम से कम दो टीयर होते हैं दो लेवल कम से कम होते हैं दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो होंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया हाउ हैज द पावर डिसेंट्राइज इन इंडिया इंडिया में पावर को डिसेंट्रलाइज कैसे किया गया कैसे उसको बांटा गया फर्स्ट है पावर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली गई और उसको किसको दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा हुआ है ऐसा तो नहीं हुआ ओके सेकेंड ऑप्शन देखिए पावर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ली गई और स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई ऐसा भी नहीं हुआ है थर्ड ऑप्शन है पावर टेकन अवे फ्रॉम दें स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट तो ऐसा हुआ है तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उनसे कुछ पावर ले ली गई और वो पावर दे दी गई लोकल गवर्नमेंट को ओके okay, तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखिए फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया कि वट इज द बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिसेंट्राइजेशन ऑफ पावर है उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है क्यों हमने किया ऐसा फर्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम एंड ईश्यूज़ विच आर बेस्ट सेटेलाइट द लोकल लेवल कि लार्ज नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याएं हैं जो बेस्ट तरीके से सोल्व की जा सकती है लोकल लेवल में ही वही ज़्यादा बैटर तरीके से सोल्व कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन है पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ़ देयर प्रॉब्लम इन देर लोकेलिटीज़ लोगों के पास अपनी खुद की प्रॉब्लम जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम होती है उसकी उनके पास ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है थर्ड है एट द लोकल लोवल लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसपेट इन द डेमोक्रेसी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं ये भी एक आइडिया इसके पीछे डी ऑप्शन दिए गए ऑल ऑफ द वो तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द वो तो ये तीनों ही आइडिया है यही सोच करके हमने थर्ड ईयर को सेटअप किया तो यहाँ पर एक बार फिर से अपने आंसर को टेली कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपका सी रहेगा लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को सेकेंड है फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें मिनिमम टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं दो लेवल तो होते ही होते हैं थर्ड ऑप्शन है कि पावर डिसेंट्रलाइज इंडिया में कैसे की गई इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली गई और लोकल गवर्नमेंट को दी गई तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया यहाँ फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया इनमें से डिसेंट्रलाइजेशन जो की गई इंडिया में उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ठीक फर्स्ट है पंचायत इन विलेज वर सेटअप गांव में पंचायत को सेटअप किया गया सेकंड है म्यूनिसपैलिटीज़ इन सिटीज़ वर सेटअप और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको सेटअप किया गया एंड सी दिया गया बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड डी दिया गया ए एंड बी बोथ आर इन करेक्ट तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा ए और बी दोनों करेक्ट है यानी कि अगर गांव की बात करें तो वहाँ पंचायत होती है और शहर की बात करें तो वहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज़ होती है ओके तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट है तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी इंटरेस्टिंग थी आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ क्लास टेंथ सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं चाहे वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हमने डिटेल में उनको डिस्कस किया डिटेल में मतलब विद नोट्स बहुत अच्छे तरीके से ओके उसके बाद सभी चैप्टर्स के एम भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए तो कम्प्लीट पैकेज है आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है जहाँ पर क्लास टेंथ सोशल साइंस का जीनियस पैच मिलेगा जहाँ पर आप ये सभी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक्सेस कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय है नाइस डे